अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिम और आप देख रहे हैं एजुकेशनल टीवी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सर, दो चीजें। एक तो जाहिर है बड़ा कम हो गया जो तालीमी साल है बच्चों का छुट्टियों की वजह से। पिछली मरतबा तो आपने रिलैक्सेशन दी थी कि पिछले जो इम्तहानात थे नवी वालों का जो नतज थे वो दसवीं में जाकर उनको नतज की बुनियाद पर आपने प्रमोट कर दिया। जो ग्यारहवीं वाले थे उनका रिजल्ट अगर जो पास थे वो बारहवीं में भी पास हो गए। लेकिन अब मुझे बता दें कि इस दफ़ा कोई रिलैक्सेशन उस तरह की होगी? ज़ाहिर बिल्कुल आप पास तो नहीं कर सकते लेकिन किसी तरह का रिलीफ आपको थोड़ा बहुत शायद देना पड़े। और दूसरा ये बता दें गर्मियों की छुट्टियों के वाले से क्या होगा, वो दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी? कोर्स पूरा करना है बच्चों ने ज़ाहिर है। और तीसरा तालीम के वाले से आपने कहा कि अगस्त तक चलेगा, तो परमानेंट अब आगे अगस्त में ही चलेगा या अगले साल से फिर दोबारा री एडजस्ट हो जाएगा? बहुत सारे सवाल आपने कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। आप पहले से स्टार्ट कर दें रिलैक्सेशन वाले से। रिलैक्सेशन किसी किस्म का होगा? पिछली दफा हमने पास किया था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को बगैर इम्तिहान के और पुराने ग्रेड्स के मुताबिक। अब ये फैसला किया है कि ऐसे नहीं होगा, अब इम्तिहान के बगैर कोई पास नहीं होगा। सो इम्तिहान तो होगा और इम्तिहान के लिए हमने वक्त ज़्यादा दे दिया ताकि थोड़ा आगे कर दिया ताकि मई जून में तैयारी का भी मौका मिल सके और जो कोर्स कवर करना है वो भी हो सके। तो ये तो पक्की बात है, इसके बारे में कोई लचक नहीं है कि इम्तिहान के बगैर कोई प्रमोट नहीं होगा। जहाँ तक तालीमी साल का ताल्लुक है और गर्मियों का छुट्टियों का ताल्लुक है, गर्मियों की छुट्टियाँ ज़रूर थोड़ी कम करेंगे ताकि बच्चों को अपना कोर्स कवर करने का मौका मिले। और इस साल तालीमी साल हमने अगस्त में ले गए हैं। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो यही है कि ये तालीमी साल अगस्त में शुरू हो चुके। सारी दुनिया में ऐसे होता है और बाकी प्राइवेट स्कूल्स भी अगस्त में शुरू होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सरकारी स्कूलों को भी अगस्त में शुरू होना चाहिए। तो इसकी तरफ हम एक इत्तेफाक राय पैदा करें।